तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि सेमेस्टर वन का जो है ज्योग्राफी का वाइवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। तो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है सेमेस्टर वन ज्योग्राफी का वाइवा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा। इसमें गाइस सेमेस्टर वन वाले जितने भी हैं, ये सारा क्वेश्चन अगर आप लोगों ने कर लिया तो आपका वाइवा डेफिनेटली 100% अच्छा जाएगा। ये गाइस, ये सब सारा क्वेश्चन जो है वो हमारे टाइम पे हमसे वाइवा में पूछा गया था सेमेस्टर वन में, तो मैं वही सब क्वेश्चंस आप लोगों को बता रहा हूँ और साथ में एक्स्ट्रा कुछ बता दूंगा गाइस, जिससे कि आप लोगों का वाइवा अच्छा जाएगा। बस आप लोगों को कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे और जो जो मैं बता रहा हूँ वो करके जाने होंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का वाइवा क्वेश्चन। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सेमेस्टर वन ज्योग्राफी वाइवा क्वेश्चन, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो है फ्रेंड्स स्केल का, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से यही पूछा जाएगा कि स्केल क्या होता है। तो स्केल का आप लोगों को डेफिनेशन याद रखना है कि स्केल ऐसा रेशियो होता है जिसमें हम लोग मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस का जो एक्चुअल रेशियो होता है डिस्टेंस का, उसी को हम लोग शो करते हैं स्केल से, ठीक है। तो आप लोगों को स्केल का डेफिनेशन सबसे पहले याद रखना है, उसके बाद क्या करना है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केल या फिर मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केल, ठीक है, दोनों सेम चीज़ है। तो मेथड्स, कितने टाइप के मेथड होते हैं जिससे हम लोग स्केल को शो करते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा गाइस, तीन मेथड्स होते हैं। एक होता है बाई स्टेटमेंट यानी कि कथनात्मक विधि, दूसरा होता है आरएफ विधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन विधि, और तीसरा होता है ग्राफिकल मेथड यानी कि आरेख विधि, ठीक है। तो ये तीन मेथड्स को आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्केल के कितने टाइप्स होते हैं, यानी कि सिंपल स्केल, डायगोनल स्केल, कंपाउंड स्केल और भी बहुत सारे होते हैं, बस मेन आप लोगों को ये तीन अच्छे से याद करके जाना है, सिंपल, कंपाउंड और सिंपल स्केल, डायगोनल स्केल और कंपाउंड स्केल, ठीक है। और तीनों का गाइस बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि सिंपल स्केल में क्या होता है। तो सिंपल स्केल में क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग केवल एक ही यूनिट को दिखा सकते हैं, ठीक है। डायगोनल स्केल में क्या होता है, डायगोनल स्केल में हम लोग जो है वो डायगोनल स्केल में हम लोग तीन यूनिट्स को दिखाते हैं, और कॉम्पेरेटिव जो है कॉम्पेरेटिव स्केल में क्या करते हैं, दो यूनिट के स्केल को हम लोग कंपेयर करके दो यूनिट को दिखाते हैं। तो बस सिंपल याद रखना ये। फिर देखिए इसी में से एक और क्वेश्चन बनता है कि लार्ज स्केल क्या होता है और स्मॉल स्केल क्या होता है। तो ये सब भी आप लोगों को देख के जाना है, स्केल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स बनते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके वाइवा में, ये पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और मुझसे गाइस स्केल से क्वेश्चन पूछा गया था, फिर लार्ज स्केल क्या होता है, स्मॉल स्केल क्या होता है ये पूछा गया था, ठीक है। तो ये सभी करके जाना है आप लोगों को। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो सेकेंड टॉपिक होता है, सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, वो आरएफ यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, इसको हिंदी में बोला जाता है निरूपक भिन्न, ठीक है, और भी बहुत सारे नाम है। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का सबसे पहले तो मीनिंग क्या होता है वो आप लोगों को देख के जाना है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, आरएफ हम लोग बोलते किसे हैं। तो आरएफ क्या होता है फ्रेंड्स, आरएफ जो है जनरली एक ऐसा रेशियो होता है मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस का रेशियो, ठीक है, मैप डिस्टेंस MD बाई GD, मैप डिस्टेंस बाई ग्राउंड डिस्टेंस। और इसका अगर डेफिनेशन बोला जाएगा तो डेफिनेशन ये आप लोग बोल सकते हो कि एक मतलब निरूपक भिन्न एक ऐसा भिन्न है जिसका जो अंश है यानी कि न्यूमरेटर जो है हमेशा जो है वो वन होगा, और जो डिनोमिनेटर है यानी कि हर जो है डिनोमिनेटर उसी यूनिट में होता है जिस यूनिट में न्यूमरेटर होता है, यानी कि न्यूमरेटर यानी कि अंश अगर किलोमीटर है, ठीक है, अगर किलोमीटर में है तो डिनोमिनेटर भी किलोमीटर में होगा, अगर अंश सेंटीमीटर में है तो डिनोमिनेटर भी सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब तीसरा देखिए, तीसरा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों को क्वेश्चंस में आ सकते हैं, वाइवा में पूछा जा सकता है, वो है फ्रेंड्स ये देखिए, ये सब जो टर्म्स है, ये सब टर्म्स आप लोगों को याद रखना है कि इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे कि आइसोप्लेथ अगर आप लोगों से पूछा गया, तो अगर एग्जामिनर पूछे कि आइसोप्लेथ का मीनिंग बताओ, क्या मतलब समझते हो आप लोग, तो आपको ये बोलना है कि आइसोप्लेथ मतलब कि सेम हाइट वाला, ठीक है, सेम हाइट वाला जितने भी रिलीफ्स हैं, मतलब आइसो मतलब होता है इक्वल यानी कि समरूप, और प्लेथ का मतलब होता है ऊंचाई, ठीक है। तो आइसोप्लेथ मतलब समान ऊंचाई वाला जितने भी रिलीफ है उसे। फिर आइसो बार का अगर मीनिंग पूछा गया तो समान दाब वाला, ठीक है, सामान्य दाब वाला जो जितने भी है, इसका मीनिंग होता है। आइसो हेलाइन मतलब होता है सामान्य वर्षा वाला क्षेत्र। फिर आइसो थर्म का मतलब होता है सामान्य टेम्परेचर, ठीक है, मतलब कि इक्वल टेम्परेचर वाला जितना भी एरियाज होते हैं उसको हम लोग आइसोथर्म से शो करते हैं। फिर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का टोपोसिट, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन इससे ये बनेगा कि टोपोसिट किसे बोलते हैं। तो टोपोसिट का डेफिनेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, सबसे पहला काम ये करना है कि टोपोसिट का डेफिनेशन देखते जाना है। तो टोपोसिट का डेफिनेशन क्या होता है कि टोपोसिट एक ऐसा टोपोग्राफिकल मैप होता है जिसमें हम लोग आर्टिफिशियल और
नेचुरल फेनोमिनल्स को शो करते हैं। आर्टिफिशियल फेनोमिना का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैन मेड जितने भी फेनोमिनाज होते हैं, जैसे कि अगर किसी रीजन में जो है एरिया में रोड बने हुए हैं, रेलवे लाइंस है और सड़क बने हुए हैं, सेटलमेंट्स वगैरह है, बिल्डिंग्स वगैरह है, ठीक है, तो ये सारे हो जाएगा आर्टिफिशियल फेनोमिना। और नेचुरल फेनोमिना मतलब कि जो प्राकृतिक रूप से पहले से बने हुए, जैसे कि नदी, पहाड़, पर्वत वगैरह जितने भी हैं, वो सारे जंगल, फॉरेस्ट, ये सारा कुछ, ठीक है। तो ये दोनों जो है, टोपोसिट का सिंपल मीनिंग याद रखना है, नेचुरल और आर्टिफिशियल जितने भी फेनोमिनाज है उसको हम लोग एक टोपोग्राफिकल मैप से शो करते हैं, उसी को टोपोसिट बोला जाता है। और जो है टोपोसिट में जितने भी ये फेनोमिनाज है उसको शो करने के लिए एक सिम्बॉल्स का यूज करते हैं, तो वो सिम्बॉल क्या होता है, उसको बोलते हैं गाइस कॉन्वेक्शनल सिम्बॉल्स, यानी कि समुच्च चिन्ह, जिसे हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में कॉन्वेक्शनल सिम्बॉल्स और हिंदी में समुच्च चिन्ह बोला जाता है, ठीक है। तो टोपोसिट से ये सब टॉपिक आप लोगों को करके जाना है। तो गाइज मैं जो है क्वेश्चन भी बता रहा हूँ और साथ साथ में आंसर भी, ये सारे आप लोगों को एक बार वीडियो अगर सुन लीजिएगा ध्यान से तो भी आपका काम चल जाएगा सेमेस्टर वन के लिए। तो आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, तो पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। तो गाइज चलिए लास्ट जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है कंटूर लाइंस। कंटूर लाइंस से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंटूर लाइन क्या होता है, कंटूर लाइन से हम लोग क्या शो करते हैं। तो गाइज कंटूर लाइन से हम लोग जो है बेसिकली क्या शो करते हैं, रिलीफ को शो करते हैं, यानी कि अगर कोई यहाँ पे मान लीजिए कि पर्वत, पठार या कुछ भी है, रिलीफ इस तरह का दिया हुआ, तो जो है हम लोग एक कंटूर लाइन से इसे शो करते हैं कि इसका जो है वो ढलान किधर है, इसका फिर ऊंचाई किधर है, ये इसका डायरेक्शन किधर से किधर की ओर जा रहा है, तो ये सारा कुछ हम लोग शो करते हैं कंटूर लाइन से। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स, जिसे मैंने क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों को आंसर भी बताया। तो आप लोगों को ये डेफिनेटली हेल्प करेगा आपके सेमेस्टर्स के एग्जाम्स में। और गाइज जितने भी वीपीयू यूनिवर्सिटी के हैं, ठीक है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए गाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका जो है पूरा डिटेल प्रैक्टिकल का सिलेबस पे डिस्कशन करूंगा, साथ साथ प्रैक्टिकल में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं और थ्योरी में क्या क्या पढ़ने, वो सारा कुछ नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।